ट्रेन यहाँ से भर के जाएगी, मतलब फुल भर के जाएगी। और जो टारगेट दिया है माननीय सांसद महोदय ने, वह निश्चित रूप से कोटा के लोग मतलब उसको पूरा करेंगे। विधायक जी भी लगे हुए हैं, हमारे अध्यक्ष जी लगे हुए हैं, सब लोग लगे हुए। ट्रेन भर के गई सर, टारगेट भी पूरा हुआ, लेकिन डिब्बा और पानी का टारगेट कहीं गड़बड़ा तो नहीं गया था? क्या किसको देखने के चक्कर में? एक बार फिर से बोलिएगा, मोदी देखने के चक्कर में? ऐसा क्या हो गया मोदी जी को देखने के चक्कर में? खाने पीने का कहा है? नाश्ता खाना सब जगह कहीं भूखे रह गए, बेहोश हो गए, गिर जाएगा रोड पे। अरे तुम तो भाई वही कर्मठ कार्यकर्ता हो जो मोदी जी के लिए भूखे जाने के लिए तैयार था, अभी क्या हुआ? सुन लिया ना आप लोग, जाने दीजिए, भावना में बोल दिया था, जब पेट का भूख लगा तब सब मोदी जी भूल गए। खैर नेताजी तो बोले थे कि 20 कार्टून चढ़ेगा, नहीं चढ़ा क्या? नाश्ता पानी के लिए लोग त्राही में त्राही में आ रहा है, नाश्ता पानी आगे स्टेज पर हमारा चढ़ेगा, 20 कार्टून नाश्ता चढ़ेगा, पानी चढ़ेगा। चाची ट्रेन पर आया था नाश्ता पानी? नहीं नहीं, आप क्या कीजिएगा, वैसे भी रैली खत्म हो गया, नेता का काम खत्म हो गया, उसके बाद कुछ कोई कर भी नहीं सकता। अच्छा एक बात पूछते हैं, अगला बार अगर फिर कहेगा कि रैली में चलिए, ट्रेन भर दीजिए, बसवा को भर दीजिए, 25,000 का टारगेट है, तो जाइएगा कि नहीं जाइएगा? हाँ नहीं नहीं, बात तो आप सही कह रहे हैं, पहले वहाँ बोल लिया रेलवे स्टेशन में कि सबको खाना मिलेगा, यहाँ आने के बाद कहीं पानी से दर्शन नहीं है, ना कहीं दाना खाना का दर्शन, चाय नाश्ता खाना सबको मिलेगा फ्री, सबको देंगे, ये नाश्ता पैकेट पानी वाला हो हंगामा जो है वो गोड्डा स्टेशन से ही शुरू हो गया था। और ये जो चचा है चश्मा लगा के बैठे हैं, ये को बहुत कुछ बोले थे, लेकिन हमको इस बात पर यकीन नहीं हुआ था, क्योंकि तभी आपको भी इस बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन ये जो कहे थे शायद सही कहे थे और वही हुआ है लगता है। कुछ आदमी को बांट रहा है उधर, अच्छा गाँव वाले, अपना गाँव वाले सुन रहे हैं, ऐसा 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 भेदभाव का है कि अपना गाँव वाले नाश्ता बांट रहा है, अमित मंडल अपना गाँव वाले नाश्ता बांट रहा है, दूसरा इधर आएगा तब ना, उसको दादा को जिताया, उसको उसके बाप को जिताया, उसको जिताया है, और उधर गांव वाला को पैकेट बांट रहा है, मतलब नस्तोस पर तीन पीढ़ी वोट दे, लेकिन नस्तोस चला अभी दर्शन में नहीं नहीं नहीं, समर्पण जितने भी लोग जा रहे हैं समर्पण भाव से जा रहे हैं, फिर एक बात रट लगाए हैं समर्पण समर्पण। अरे भैया पेट खाली है, भूखे भजन ना हो गोपाला, का करेगा लोग, सबको खाना मिलेगा, सबको पानी मिलेगा, कहीं कुछ ना हुआ, अपना पैसा पकड़े भर लिया, आए क्या बोला, असम अपना पैसा पकड़े भर लिया। देखिए समर्पित समर्पित कार्यकर्ता करते करते आप लोगों से गलती हो गया नेताजी, ये कैसे कैसे लोग को भर लिए हैं जो पोल खोल रहा है और आरोप लगा रहा है कि आप इनके पूड़ी और तरकारी का जो पैसा है पॉकेट में भर लिए। अरे भीड़ जुटाइए, लेकिन भीड़ जुटाने के लिए जिसको मन तिसको गाड़ी में मत ठूस लीजिए, वही सब ना बाद में किरकिरी कर देता है। और ये देवघर स्टेशन पर जो ये किरकिरी चल रहा है, ये मोदी जी के कार्यक्रम का किरकिरी है, जो नहीं जान रहे हैं उनको बता देते हैं, बाकी जो फर्स्ट में देखे थे तब ये समझ गए होंगे कि मोदी जी उद्घाटन करने एयरपोर्ट आए थे तभी किरकिरी चल रहा है। देवघर से वापस जाने के लिए जब लोग यहां पर स्टेशन पर इंतजार कर रहे हैं, नाश्ता और डब्बा पानी का पैकेट जब इनको नहीं मिला, जब भूख जब पेट में कड़कड़ा के लगा, तो सब समर्पण भावना बाहर निकल गया। हाँ बाहर व्यवस्था बोला, सारा व्यवस्था हो गया, सही, आप लोग का कोई खर्च नहीं होगा, कुछ खर्च नहीं होगा, अरे यहाँ चाय पानी तक नहीं है, पानी तक नहीं है, नाश्ता पानी के लिए लोग त्राही में आ रहा है, नाश्ता पानी आगे स्टेज पर हमारा चढ़ेगा, 20 कार्टून नाश्ता चढ़ेगा, कितना चढ़ेगा, 20 कार्टून नाश्ता चढ़ेगा, पानी चढ़ेगा, हाँ पानी तो चढ़ेगा लेकिन हॉस्पिटल में चढ़ेगा, किस तरह भूखले टटाया है सब कार्यकर्ता, सबको पानी सदर अस्पताल में चढ़वाइए, और देख रहे हैं किस तरह कर रहा है। ए नेताजी ये सब कार्यकर्ता को काहे लाते हैं जो छीछा लेदर कर देता है, अगला बार से ध्यान रखिएगा, ये रैला जो है ना अब वो एकदम खेला हो गया, क्या कहें, गजबे हो गया भैया।